गुल्ली बुल्ली के घर में आज बाबा आए हुए हैं। आज ये तीनों का ही जाने वाले हैं। बाबा बोला, अरे शॉन क्यों नहीं आ रहा है? शॉन आने में इतना वक्त लगाएगी तो हम लोगों को जाने में बहुत देर हो जाएंगे। बुल्ली कहा, बाबा शॉन थोड़ी देर में आ जाएगा, आप जरा शांत हो जाइए। बाबा बोला, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ। गुल्ली बोला, अरे वो देखो शॉन आ रहा है। अरे ये क्या हो गया शॉन को? ये शॉन जहाँ जाता है वहाँ कुछ ना कुछ बहाल मसाते ही है। बाबा बोला, अरे गुल्ली बुल्ली तुम दोनों शॉन को उठाओ, लगता है शॉन को गहरी चोट पहुँचा है। गुल्ली तभी शॉन के पास जाता है। गुल्ली शॉन के पास जाके देखता है कि शॉन के सार पीछे घूम गया है। अरे ये क्या हो गया शॉन को? शॉन के ये हालात देख के गुल्ली बुल्ली को बुलाता है। बुल्ली बोला, अरे गुल्ली तुम्हें लगता है एक फुटे कोरी भी दम नहीं है? गुल्ली कहा, अरे बुल्ली ऐसा बात नहीं है, तुम आके देखो शॉन का सार की पोजीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बुल्ली बोला, रुको मैं आ रहा हूँ। तभी बुल्ली शॉन के पास जाता है। शॉन के हालात देख के बुल्ली कहा, आइला ये क्या हो गया शॉन को? लगता है शॉन को हमें हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। गुल्ली बोला, हाँ बुल्ली मुझे भी ऐसा लग रहा था। बाबा बोला, अरे क्या हुआ शॉन को? बुल्ली कहा, बाबा शॉन के सार पीछे की ओर घूम गया है, क्या आप शॉन को ठीक कर पाओगी? बाबा बोला, अरे नहीं नहीं ये बीमारी मुझसे ना ठीक हो पाएगी, शॉन को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। बुल्ली बोला, ठीक है बाबा चलो फिर शॉन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाबा बोला, शॉन के हालात और भी बिगड़ जाएगी, तुरंत उसे पास की कोई हॉस्पिटल में ले चलो। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा शॉन को लेके हॉस्पिटल जाने लगते हैं। गुल्ली बोला, बाबा हमारी आसपास में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। बाबा कहा, अरे आसपास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है क्या? अच्छा नहीं तो भी चलेगा। गुल्ली बोला, हाँ बाबा कुछ देर आगे एक पुरानी हॉस्पिटल है। बाबा कहा, तो शॉन को वही ले चलो। तभी इन्होंने शॉन को वो पुरानी हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं। कुछ देर में इन लोग पुरानी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अरे ये हॉस्पिटल के चारों ओर इतना सुनसान क्यों है? लगता है ये हॉस्पिटल में कोई इलाज करने के लिए नहीं आता है। गुल्ली बोला, मुझे ये हॉस्पिटल ठीक नहीं लग रहा है, मेरी मानो शॉन को कहीं और ले चलते हैं। बाबा कहा, अरे नहीं नहीं दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा देख जाएगा, अभी शॉन को लेके अंदर चलो। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा शॉन को लेके अंदर जाने लगते हैं। इन लोग कुछ दूर आके देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में लाइट जल रहा है। बुल्ली बोला, लगता है शॉन की इलाज यहाँ पे हो जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में लाइट जल रहा है, इसका मतलब अंदर कोई डॉक्टर होगा ही होगा। बाबा कहा, मैंने बोला था ना यहाँ शॉन के इलाज जरूर होंगे। गुल्ली बोला, लेकिन बाबा मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यह हम शॉन को इलाज करा के बचा नहीं पाएंगे। बाबा कहा, अरे गुल्ली ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।
तभी बाबा दरवाजा पे नॉक करता है और बोलता है, डॉक्टर साहब आप अंदर है क्या? हम एक मरीज लेके आया हूँ जिसकी इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अरे ये किया, ये कैसी डॉक्टर है? ये डॉक्टर काम खूनी ज़्यादा लग रहा है, ये तो लोगों को काट के टांग कर रखा है। अरे ये डॉक्टर देखने में बहुत ही डरावना है। तभी डॉक्टर बाबा की बात सुन के बाहर आने लगता है। डॉक्टर बाहर आने के बाद डॉक्टर को देख के इन लोग सौंक जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के बदन में खून लगा हुआ है। बुल्ली बोला, आपके बदन में इतनी खून क्यों लगा हुआ है? डॉक्टर कुछ देर खामोश रहकर इन लोगों को देखता रहता है। डॉक्टर कहा, अंदर एक मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए इतने सारे खून मेरी बदन में लगा हुआ है। बाबा बोला, ठीक है कोई बात नहीं, ये देखिए हमारे मरीज जिसके नाम पोटीबॉय शॉन है। तभी डॉक्टर शॉन के पास जाता है। बुल्ली बोला, इसके सार घूम गया है, आप बस शॉन को सीधा कर दो। डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है, वो बस शॉन को लेके अंदर जाने लगता है। डॉक्टर अंदर जाके कहता है, कोई ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश मत करना। गुल्ली डॉक्टर से पूछा, शॉन कितने देर में ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कहा, मैं बता नहीं सकता कि कितने देर में सही होगा। डॉक्टर कहा, आप लोग यहाँ ना रुक के घर चले जाना और कल रात को फिर आना। ये कह के डॉक्टर दरवाज़ा बंद कर देता है। गुल्ली बोला, मुझे इस डॉक्टर को नॉर्मल नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बुल्ली बोला, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तभी डॉक्टर फिर बाहर आता है और कहता है, आप लोग अभी भी यहाँ क्यों रुके हो? आप लोगों को मैं कल आने के लिए बोला था ना? बाबा बोला, हम जा रहा है, अभी जा रहा है। अरे चलो रे घर में चलते हैं। ये कह के बाबा और गुल्ली बुल्ले हॉस्पिटल के बाहर जाने लगते हैं। डॉक्टर तभी अंदर चला जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। अरे ये किया, लगता है इस डॉक्टर ने शॉन के साथ कुछ बुरा करने वाला है। गुल्ली बुल्ली और बाबा जा ही रहे थे, तभी हॉस्पिटल के अंदर से सीखने की आवाज़ आता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये किस किसी थी? आपको हॉरर हॉस्पिटल के दूसरा पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करना।